नर्मदापुरम के बनखेड़ी में उपयंत्री से दादागिरी और मारपीट करने वाले जनपद पंचायत अध्यक्ष के जेठ और ग्राम पंचायत निम्भोरा के सरपंच पति समेत 4 लोगों पर FIR दर्ज हुई। शिकायत के 5 दिन बाद पुलिस ने निम्भोरा के सरपंच पति पारथ सिंह पटेल समेत उसके साथियों के खिलाफ मारपीट, शासकीय कार्य में बाधा, एट्रोसिटी एक्ट, जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में केस दर्ज किया है। जनपद पंचायत में पदस्थ उपयंत्री हेमंत ने 7 दिसंबर को सरपंच राजकुमारी सिंह पटेल के पति की शिकायत की थी। पुलिस ने मामला जांच में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक घटना 5 दिसंबर दोपहर लगभग 2 बजे की है। फरियादी ग्राम पंचायत भवन चांदोन में पशु औषधालय का निरीक्षण कर रहा था। इस दौरान उसके साथ कुलदीप नागले, सोनू कुशवाहा रोजगार सहायक चादौन, रघुवीर मिश्रा सचिव भैरापुर, सुनील धुरखे उपयंत्री जनपद पंचायत बनखेड़ी भी साथ थे। इसी बीच पारथ पटेल पति ग्राम पंचायत और दूसरे 4 लोग टाटा सफारी से डंडे लेकर आए। उन्होंने आते ही मोबाइल मेरे हाथ से छीन लिया और मारपीट करने लगे। पारथ पटेल और उनके साथियों ने फरियादी को चांटे मारे और खींचकर पंचायत के कमरे में ले गए। फिर वहां पर भी लात घूंसे से मारा और हाथ पैर पकड़कर ले जाने लगे। इतने में सुनील धुर के उपयंत्री भी गाड़ी के पास आ गए और बचाकर पंचायत भवन ले आए। आरोपी ने काम को लेकर अनावश्यक दबाव बनाने की धमकी दी। उपयंत्री ने पुलिस से SC/ST एक्ट में सरपंच पति के खिलाफ मारपीट करने और शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज करने की मांग की थी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने पारथ पटेल और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। उपयंत्री के अलावा दूसरे पक्ष पारथ पटेल द्वारा शिकायत की गई थी। बनखेड़ी TI ने बताया कि उपयंत्री के उसके साथ मारपीट की शिकायतें आवेदन की जांच कर केस दर्ज कर लिया है। सरपंच पति की शिकायत भी मिली है। दूसरे पक्ष की शिकायत की विस्तृत जांच कर रहे हैं। आरोपी पारथ पटेल निवासी निम्भोरा की पत्नी राजकुमारी पटेल पंचायत की सरपंच है। जनपद पंचायत अध्यक्ष पूनम भूपेन्द्र पटेल के आरोपी जेठ है। जनपद के सभागार में जनपद पंचायत अध्यक्ष कुर्सी पर वे कई बार बैठते दिखाई देते हैं। जनपद पंचायत में वे काफी रौब दिखाते हैं।